हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है और एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाले छात्रों से कहना चाहूंगा कि जो उसका भी कल पेपर है 10 जनवरी को होने वाला इंप्रूवमेंट वाला पेपर, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे बॉटनी के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर एक साथ बन रहे हैं और उसमें से आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन करना होगा, और वही 10 क्वेश्चन शॉर्ट में बनेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में करने होंगे और 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी बनेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोला जाता है जिनको, बहुविकल्पी क्वेश्चनों को, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कि आपको टोटल जो करने होंगे 9 क्वेश्चन करने हैं बेटा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, अब उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाकर प्ले स्टोर पर लॉन्च की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे ऊपर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वो जो 5 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो 20 नंबर के होंगे बेटा, 20 नंबर वहां से आपको पूरे पक्के मिलने वाले हैं। मतलब कि हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फ्री में है, कोई पैसा नहीं जा रहा उसका, आप डाउनलोड करो, उसके बाद में उसमें पढ़ाई कर लो, पूरा पीडीएफ खुल जाएगी आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की, फटाफट उन क्वेश्चनों को रट लेना, ठीक है, उन क्वेश्चनों को रट ले तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को, और आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है बीएससी वाई पेपर हैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां भी हम बीएससी के सारे कोर्सेज जो होता है वो टोटल वही कराते हैं बेटा। इस वीडियो को भी हम आप बीएससी वाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं एमजेपीआरयू रोहिलखंड इंप्रूवमेंट एग्जाम जो कल 10 जनवरी को आने वाले क्वेश्चन है 2022 में, कल की बात करने वाले हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और मत पढ़ना, अब कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत दिन से पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, पढ़ा होगा मुझे पता है बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं, बस आज और कल जो जितना भी टाइम बचा है 10 बजे के बाद जो भी पेपर है आपका, तो क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दो, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं मत पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूं यहां से आपको 90% प्लस देखने को मिलेगा, 90% 20 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे आप हमारे एप्लीकेशन से, जो ऐप बनाकर हमने प्ले स्टोर पर पब्लिश किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 20 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे और 30 नंबर से प्लस, यहां मतलब कि 50 नंबर तुम्हें पासिंग मार्क चाहिए होता है, ठीक है, ये तो पता है सभी को। अब बताओ 100 नंबर का आपका पेपर है, 150 नंबर में कॉपी चेक होगी, तो जो 20 नंबर के जो आपको एमसीक्यू कम से कम आगे, तो 30 से प्लस 35 नंबर के बीच में आपके माने जाएंगे, तो 35 नंबर के आपके यही से एमसीक्यू बन रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एप्लीकेशन को, इसीलिए हमने आपको दिया कि आप फेल ना हो, इंप्रूवमेंट छात्रों के लिए हमने फ्री में दे रहे हैं आपके लिए, समझ लो एमसीक्यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो, यही हम चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे अभी इसी वक्त उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं बेटा, यहां ध्यान से देखो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, पहला क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखो जिसे कहते हैं जो आवृतजीवी पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप याद कर लेना, ठीक है, आवृतजीवी पौधे होते हैं उनका क्या करना है बेटा, वर्गीकरण कर देना है, ये याद करना है। उसके बाद में आता है देखो जो हचिस्टन थे उनके पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण उनके सिद्धांत के बारे में, ठीक है, हचिस्टन द्वारा जो पुष्पीय पौधा था उसका वर्गीकरण किया था उन्होंने, उस सिद्धांत को याद कर लेना। हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी महत्व और बॉटनिकल गार्डन ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। उसके बाद में फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, बैंथम और हुक्कर का वर्गीकरण करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे जाएंगे, एक फैमिली आपसे पूछेगा, एक गैबनी के, एक देखो ग्रैमनी कुल को याद कर लेना, एक रुली रुलिनिकोसी कुल फैमिली को याद कर लेना, और एक कहूंगा साथ में कुकरबिटेसी कुल को, इसको तीन फैमिली को याद कर लेना, पढ़ लेना, यदि आ भी जाए तो फैमिली को आप बना बना के कर सकते हो, फैमिली देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुल को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में मैं टिश्यू सिस्टम की बात करूंगा, पौधे में जो ऊतक तंत्र होता है, पौधों में टिश्यू सिस्टम होता है उसको याद कर लेना। हर्बियम कैसे तैयार किया जाता है मैं बता चुका हूँ, आसंगक जनन किसे कहते हैं, जिसे हम अपोक्मिक्स कहते हैं, मतलब कि आप अपसंयोजन भी बोला जाता है इसको, आप इसको याद करेंगे। और पौधों के तनों में जो विभोजकता का वर्णन कर रहा है, मतलब कि मेरिस्टम क्या होता है, पौधों में मेरिस्टम के बारे में पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। कैम्बियम के बारे में याद करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आसंगक द्वितीयक वृद्धि के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ जो अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को याद करेंगे। और नीचे हम जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं देखना है, यहाँ कुछ भी नहीं देखना हम लोगों को, ठीक है। और आवृतजीवी पौध निषेचन किस प्रकार से होता है इसको छोड़ दीजिए, नीचे जाएंगे हम, बहुभ्रमणता के बारे में देख लेना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद में हम नीचे पढ़ेंगे पेरिड्रम को, देखो पेरिड्रम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और नीचे जाएंगे हम, बाद में हम देख लेंगे द्विनिषेचन के महत्व के बारे में पढ़ लेंगे, द्विनिषेचन किसे कहते हैं,
है, ये पढ़ेंगे। और जीनिया एंड मेटाजीनिया में अंतर पूछ लेता है, इसको एक बार पढ़ लेना, यदि अभी आ भी जाएगा तो आप बना बना के लिख लेंगे, जब हमारा पढ़ा हुआ होता है ना तो हम आ भी जाता है ना पेपर में, तो बेटा बना बना के कर सकते हैं उस चीज को, तो इसलिए कह रहा हूँ एक बार हम क्वेश्चनों को जरूर पढ़ेंगे जो मैं आपको लगभग में बता रहा हूँ, लेकिन ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें मोस्ट लगा रहा हूँ, उसको आपको रटना होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ बाहर से नहीं बनने वाला है। देखो विलियन किसे कहते हैं, विलियन के बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अनिश्चित जनन किसे कहते हैं, देखो परागण और स्वपरागण, परागण के बारे में पढ़ लेना, बस इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको याद करना है फर्स्ट पेपर में, बाकी कुछ नहीं करना। सेकंड पेपर में आ जाओ बेटा, सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सेकंड पेपर में बॉटनी के लगा लो बेटा, सेकंड पेपर में हमें देखना है देखो गल्जी कम्प्लेक्स के कार्य क्या होते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है, गल्जी कम्प्लेक्स के वर्क कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और पादप कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पादप कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर याद रखना, पादप कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, यहां से याद करेंगे। केंद्रक की संरचना देखेंगे, केंद्रक की संरचना तो जानते हो आप, सही है, इतना आप याद करेंगे। और क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र को आप याद करेंगे, गुणसूत्र के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट पे लगा लेना, जिसे कहते हैं हम कोशिका का विभाजन, दो प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है देखो समसूत्री विभाजन को सूत्री विभाजन भी बोलते हैं, जैसे माइटोसिस बोलते हैं माइटोसिस, और मायोसिस जैसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आपको पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मोस्ट पे लगा देना, ठीक। चलो उसके बाद में हम मेंडल के तीनों नियमों को याद करेंगे, मेंडल ने दो नियम दिए थे उसको याद कर लेंगे, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मेंडल के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लो, इनको रट के जाना है आपको, इनको रट के जाना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना बेटा तो बना बना के जरूर करके आना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इको सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पेपर होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको पेपर को सेंड करेंगे, ठीक है, फोटो कर सेंड कर देना है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि देखो ये क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन पूरा फंसा है, ठीक है, तभी समझ आ रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको उस पेपर को सेंड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ बनाकर आप भेज सकते हैं। उसके बाद में देखो यहां बोला गया है, इसको छोड़ेंगे, नीचे हम नीचे जाएंगे, देखो ये लेम्ब्रस जो क्रोमोसोम होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आप टिक लगाएंगे। और उसके बाद में माइटोकैंड्रिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट, माइटोकैंड्रिया को याद करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और गुणसूत्र विपथन जो होता है, विपथन होता है गुणसूत्र विपथन, इसको याद करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरित लवक के, हरित लवक को पढ़ लेंगे। और क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर को पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे बैंक क्रॉस को देखेंगे, बैंक क्रॉस और लैमार्क और डार्विनवाद की आलोचना को पढ़ेंगे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद की आलोचना को, लैमार्कवाद डार्विनवाद इनकी आलोचना, नव लैमार्क और डार्विनवाद इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके गेस्ट पेपर नोट्स में जो भी है उसको पढ़ लो, ठीक है। खाद जाल और खाद श्रृंखला, फूड चैन फूड वेब, दोनों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड किसे कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड को याद करेंगे, बस इतना यहां से पढ़ना है सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर में पहुंचो, थर्ड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो थर्ड पेपर में ध्यान से देखेंगे सभी लोग, थर्ड पेपर में हमें क्या पढ़ना है, बॉटनी के थर्ड पेपर में रसा रोहण के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्रियाविधि, रसा रोहण की क्रियाविधि के देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जाएंगे हम नीचे, देखो परासरण और विसरण में अंतर पूछ लेता है, परासरण अच्छी तरीके से देख लेंगे, विसरण और परासरण की परिभाषा दोनों को देखेंगे। बाष्प उत्सर्जन को देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाष्प उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण को याद करेंगे, ठीक है। जैविक बात को छोड़ो, इसके बाद में नीचे एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर पूछ लेता है, C3 प्लांट C4 प्लांट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे आप लोग, ठीक है। और जो होता है ना पादप वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, मतलब पौधों को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, ग्रोथ कैसे दी जाती है, कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि जिब्रेलिंस हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है और इथाइलिन हार्मोन है, ये तीन हार्मोन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा परिभाषा होती है, बड़ी नहीं होती है, छोटा छोटा होता है, उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना पढ़ लेंगे, ये तो सब पढ़े हुए हैं आपके, कुछ बस एक बार देखना है और कुछ भी हो जाए आपको बना बना के करके आना है, यदि नहीं याद है तो बना बना के करके आना है, छोड़ के नहीं आना है कोई क्वेश्चन को, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है पेपर के बाद मुझे बता देना कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ठीक है, मुझे बता देना, कोई दिक्कत है सब खत्म कर देंगे हम लोग। देखो को एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम को याद कर लेना, को एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंजाइम के एंजाइम है, एंजाइम के भाग होते हैं को एंजाइम, जैसे सह एंजाइम भी बोलते हैं उस चीज को, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। डीएनए आरएनए में याद करेंगे, डीएनए आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक लगाओ बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पर।
है। एप्पो एंजाइम देख लेना, एप्पो एंजाइम क्या होता है, एप्पो एंजाइम एक बार पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएगा, बहुत टाइम है आपके लिए यार। ठीक है, हैच स्केल का जो चक्र होता है जैसे C4 चक्र कहते हैं इसको, और बिंदु बिंदु शिराब, मैंने परासरण देखो ऊपर बता चुका हूँ, परासरण ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। और मुंज की परिकल्पना पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुंज की परिकल्पना। ठीक है, ये पढ़ेंगे और उसके बाद में कैब चक्र को पढ़ लेना हो सके तो। इमर्सन इफेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट को पढ़ लेना, जिसे हम रेड ड्रॉप भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इमर्सन इफेक्ट को रेड ड्रॉप भी कहते हैं, इसको पढ़ लेना, ये है। और एक पढ़ लेना CAM, जिसे कहते हैं कैम चक्र। ठीक है, कैम चक्र को पढ़ लेंगे और नीचे हम जाएंगे और हम एक और देखेंगे। देखो वस्तीकरण क्या होता है इसको देख लेंगे, वस्तीकरण जिसे हम वेनलाइजेशन बोलते हैं, इसको आप याद कर लेंगे। और उसके बाद में पोएंजियम वगैरह देख लिया, दीप्ति कलिता को देख लेना, दीप्ति कलिता क्या होता है, दीप्ति कलिता के टाइप, दीप्ति कलिता के टाइप तीन होते हैं बेटा, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डे नेचुरल प्लांट। इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये मोस्ट पे लगाना बेटा, मोस्ट पे लगा लेना। ठीक है, और किडवन क्या होता है, हो सके तो किडवन को जरूर पढ़ लेना, किडवन क्या होता है। ठीक है, परमिशन दिस बोलते हैं, और क्रैश चोक वगैरह हम देख रहे हैं, क्रैश चोक इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लो बस। ठीक है, दोबारा से मैं सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, और कोई भी यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाना है, मैंने जो बॉक्स में बंद किया है बस यही क्वेश्चन रखना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं देखना है, आप सभी लोगों को याद रख लेना, इतने क्वेश्चन को रट लेना, 90% से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सके तो आक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर देख लेना, आक्सी शोषण क्या होता है, अनाक्सी शोषण क्या होता है, इसमें भी आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना आप देख लो। दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे, जो भी बढ़ाने को होगा बढ़ा दूंगा। एक आध क्वेश्चन देखो यार, मेहनत कर लो, 90% लाना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है यार मुझे उसके बाद बता देना, पेपर के बाद। ठीक है, देख लूंगा मैं आपको जो भी होगा। फिलहाल मैं आपको बहुत अच्छे नंबर से पास कराने वाला हूँ, याद रखना, बहुत अच्छे नंबर से पास कराने वाला हूँ, फेल नहीं होगा आप, कुछ भी हो जाए, इतने क्वेश्चन को आपको पढ़ लिए ना तो आप टॉपर बनोगे, सच बता रहा हूँ, टॉपर बनोगे, देख लेना। पेपर हैकर यूट्यूब चैनल आपका हमेशा साथ देगा, हर परिस्थिति में आपके साथ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, और अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको बताएंगे, जो भी आपके, ठीक है, आप जहां पेपर देने जा रहे हैं अपने दोस्तों को बता दिया करो कि इस पेपर आकर यूट्यूब चैनल से पढ़ा करो, जो वो बताया करें। ठीक है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने केमिस्ट्री का कल पेपर बताया था, पूरा पेपर लीक था, समझ लो पूरा पेपर फंसा है भाई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और देखने का, पौधों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पौधों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाने बेटा, पौधों में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लेना, पौधों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे पौधों में लिंग निर्धारण के बारे में। सेकंड पेपर पूरा होगा, फर्स्ट पेपर पहुंच जाओ दोबारा से, सेकंड पेपर में देख लो, परागण हो गया, विलयन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अनिश्चित फलन की बगार छोड़ो। देखो एक, देखो ये वाला क्वेश्चन और देख लेना कि एक संगी और द्विसंगी पुंकेसर जो होते हैं उसमें अंतर पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, मोस्ट है ये, इसको पढ़ लेना, इसको और देख लेना, एक बार पढ़ के चले जाना यार, जो आ गया ना पेपर तो आप बना बना के कर दोगे इसमें, समझ रहे हो, तो एक बार पढ़ जरूर लेना, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, पढ़ लोगे तो बना बना के कर दोगे, मेरा मतलब आपका क्वेश्चन बना बना के कर सकते हो, लेकिन बना बना के भी कर आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना, मेरा मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए पेपर में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ठीक है, आसंगत द्वितीय वृद्धि मैंने बता दी आपको। ठीक है, आसंगत द्वितीय वृद्धि के बारे में मैंने बता दिया, देखो यहाँ यही एक पौधे के अंदर किस प्रकार से होती है, जिसे वर्बिया बोलते हैं, इसके आसंगत वृद्धि तने के बारे में, तो वो ऊपर वाला जो है सिस्टम वही पूरा बता देना, ये इस क्वेश्चन में बात वही है। ठीक है, एक ये जरा जरग युवास क्या होता है, इसको एक थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक बार पढ़ लेना, पढ़ के चले जाना बस, यहाँ से आप कुछ और नहीं देखना है, कुछ और आपको नहीं देखना है। बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, इतना हमें देख लेना है। संवहन ऊतक की संरचना, हो सके तो संवहन ऊतक और पढ़ लेना, संवहन ऊतक बस ये है हमारे 2022 में जो 10 जनवरी को होने वाले पेपर है, 10 जनवरी को हमारा 2022 में जो होने वाला पेपर है इंप्रूवमेंट वाला, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। और 20 नंबर जो हमारे वहां से होंगे, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उनका हमने क्या है बेटा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऐप को डाउनलोड कर लो अभी इसी वक्त और उससे पढ़ाई कर लो, एक डेढ़ घंटा उस पर पढ़ लो और बाकी पेपर देने चले जाना बस, आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। ठीक है, और पेपर होते ही आप मुझे पेपर को सेंड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर पर मुझे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता ही है, 7037328, उस पर आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है। उस पेपर को पीडीएफ बना के कर सकते हो या फिर उसका फोटो खींच के कर सकते हो, पेज ऊपर से ही लिखना, पूरा पेज आपको बनाना है, ठीक है, एक भी पेज नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा पेपर भेज रहा है मुझे, व्हाट्सअप करना है, और उसके बाद में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो ये जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद वीडियो, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल एक नए वीडियो के साथ में, थैंक यू।